वेलकम बैक डियर स्पेरेंट इन आवर चैनल हिस्ट्री मंत्रास विद आदित्य। और डियर स्पेरेंट, इसमें पॉलिटी में हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो आपका कल का वीडियो रहा, पिछला वीडियो रहा, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ चीज़ों को देखा समझा। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित जो एक व्यवस्था है, जिसे हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, कोलिजियम प्रणाली कहते हैं, इसके बारे में हमें आज के लेक्चर में देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि भाई CJI और जो बाकी जस्टिस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी क्या है। तो अभी 1 लाख से CJI की बढ़ा करके 2,80,000 कर दी गई है, और जो बाकी के जजेस हैं उनकी 2,50,000 हो गई है। तो इसे एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे और उसी के अनुसार आप आके देखेंगे हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं उनका 2,25,000 ऐसे करके मतलब सैलरी बनाई गई है। ठीक है, आप उसको हम बाद में देख लेंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, इसको समझेंगे। देखिए, कोलिजियम सिस्टम क्या है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक विवादित है ये। और देखिए, UPSC में क्वेश्चंस वही उसी एरिया से आते हैं जो एरिया थोड़े से विवादित होते हैं। अगर बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट कोई एरिया, बहुत ही जिसमें कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है, तो उन एरिया से क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब बहुत कम होते हैं। जहाँ डिस्प्यूट होता है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपसे ये जानने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप उस डिस्प्यूट को समझते हैं या नहीं समझते हैं, और समझने के बाद आप अपनी क्या राय रखते हैं, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो उसी के आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक आपका टॉपिक यह है कोलिजियम सिस्टम। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई कोलिजियम सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब कोलिजियम खुद एक सिस्टम है और इसमें कुछ लोग होते हैं, वह लोग क्या करते हैं कि जजों को नियुक्त करने के लिए सिफारिश भेजते हैं आपके राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति महोदय उनकी नियुक्ति कर देते हैं। मतलब ये काम, ये अधिकार जो संसद के पास नहीं होता, ठीक है, संसद या फिर कोई ऐसी संस्था नहीं है अलग से जो इसके लिए मतलब नियुक्ति का कार्य करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस कुछ होते हैं, उन्हीं की मतलब उन्हीं की एक संस्था होती है, वही अपना जो है मिल करके जजों की नियुक्ति करते हैं, मतलब सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्ति करते हैं। इसी प्रकार से अपना हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोलिजियम है, हाई कोर्ट का भी कोलिजियम होगा। तो जो हाई कोर्ट का होगा उसमें कुछ चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम देखेंगे अभी आगे। पहले थोड़ा शुरुआत करते हैं। देखिए, कोलिजियम प्रणाली के अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक कोलिजियम की सलाह पर की जाएगी। होता क्या है कि एक कोलिजियम एक व्यवस्था है जिसमें कुछ लोग होते हैं, और यह कोलिजियम जो है क्या करता है, जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है। जब वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश करता है तो फिर राष्ट्रपति उनकी उसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य होते हैं, और फिर उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, जजों की नियुक्ति करते हैं। अगर बात करें हम कि किस प्रकार की संरचना आपके कोलिजियम सिस्टम की है, मतलब संगठन कैसा है इसका है, कितने लोग हैं इसमें और कैसे कैसे लोग हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप जान लें कि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, तो इसका मतलब सीधा से इतना है कि मान लीजिए, होता क्या है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो उम्र दराज ज़्यादा जजेस जो ज़्यादा एज के होते हैं वे क्या होते हैं, वरीयता क्रम में आगे रहते हैं, ठीक है, उनको वरीयता दी जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा एज का जज होगा उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है CJI बना दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं वो थोड़ा सा कम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये हैं जो कि अभी 64 एज के हैं, ठीक है, 64-65 मैक्सिमम है आप जानते हैं, तो ये क्या है, मान लीजिए कि CJI हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे व्यक्ति एक ऐसे हैं जो दूसरे नंबर के व्यक्ति जिनकी एज जो है 62.5 मान लीजिए 62.5 है, फिर जो है 62 है, फिर 61 है, 61.5 है, फिर 61 है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि इस प्रकार से जजेस हैं, इनकी एज डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई कोलिजियम व्यवस्था वह होगी जिसमें टोटल 5 लोग रहेंगे, ओके, कुल 5 लोग होंगे। तो जिसमें एक व्यक्ति जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, CJI, जिसकी उम्र सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है। उसके बाद जो उम्र के हिसाब से जो वरिष्ठ लोग होंगे वे 4 लोग, शुरुआत के 4 लोग, वे लोग क्या हो जाएंगे आपकी इस कोलिजियम व्यवस्था के मतलब इस कोलिजियम सिस्टम में शामिल होंगे, ठीक है। तो आप जाने कि एक वरिष्ठता का जो क्रम है उसी के अनुसार जो है CJI से लेकर उसके नीचे जो 4 टॉप मोस्ट जो जजेस हैं उन जजेस को मिला करके एक कोलिजियम व्यवस्था बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। कोलिजियम में बहुत से निर्णय लिया जाता है लेकिन CJI की सहमति
सॉरी बहुमत से, ध्यान रखेंगे कि मेजोरिटी से, जो भी निर्णय होगा वो मेजोरिटीज होगा, लेकिन इस मेजोरिटी में आपका जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसकी सहमति अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी नियुक्ति के संबंध में अगर सीजीआई जो है हामी नहीं भरते हैं कि नहीं मुझे ये नियुक्ति नहीं, मतलब ये सही नहीं मेरे हिसाब से, मैं नहीं सपोर्ट करूँगा इसे, तो फिर वह व्यक्ति भले वहाँ पर बहुमत हो जाए तो वहाँ पर भी वो नियुक्ति रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि सीजीआई को यहाँ पर एक तरफ समझे तो आप वीटो पावर है, ठीक है ना। तो सीजीआई जब तक नहीं चाहेंगे तब तक किसी की नियुक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ध्यान रखेंगे इसे कि राष्ट्रपति के पास जब कोलेजियम जजों की नियुक्ति के से संबंधित जब सिफारिश भेजेगी वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। क्लियर। तो ये कुछ कोलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें रही हैं जिसको आपने समझा। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी और एक पॉइंटर के माध्यम सबको अच्छे समझाने का प्रयास किया गया। अब जब आप इतना देख रहे हैं कि एक बोलबाला है, माने कि एक ऐसी संस्था जो क्या कर रही कि अपने पास जो है जो उसके पास जो रिक्वायरमेंट है जजेस की, उसको फुलफिल करने के लिए खुद ही चुन रही है, ठीक है, खुद ही कह रही कि हाँ ठीक है हमको हमारे यहाँ पद खाली है, आइए हम आप कुछ लोगों की नियुक्ति कर लेते हैं, अपने ही चूज कर रही है। उसमें ऐसा नहीं कोई दूसरा संगठन, कोई दूसरी संस्था वहाँ पर चूज करने का कार्य करी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये खुद ही वहाँ पर नियुक्ति कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब खुद ही इनके पास, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर समझें आप कि अगर आप किसी एक आप एक आपकी एक खुद की कंपनी है, ठीक है, और आप उस कंपनी में सीईओ हैं, ओके, तो अब क्या होगा कि आपके जितने रिलेटिव होंगे तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि भाई आप जो इस कंपनी में किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि भाई हमारा जो रिलेटिव है, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जिनको हम जानते हैं, वो लोग जो है इससे ज़्यादा लाभान्वित हों, तो आप क्या करेंगे, उनको चुनेंगे। वो अलग बात है कि आप नहीं करें वो अलग बात, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार आप देखेंगे तो ऐसा ही हुआ कि आप अपने सगे संबंधियों को पहले उस कंपनी में नौकरी देना पसंद करेंगे। तो इस स्थिति में देखेंगे आप कि एक आलोचना का बिंदु बनता है कि भाई वही चूज कर रहे हैं और उसी संस्था के लिए वो खुद ही चूज कर रहे हैं, तो ये अलग बात हो जाती है। इसी बिंदु पर आप देखेंगे तो ढेर सारी आलोचनाएँ भी होती हैं, तो कोलेजियम की कुछ आलोचनाएँ भी होती हैं, आइए देखते हैं क्या क्या आलोचनाओं के बिंदु हैं। आर्टिकल 124 में कोलेजियम जैसी संस्था का उल्लेख, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि भाई जो संविधान आपका है, आपके संविधान में कहीं भी कोलेजियम जैसी किसी व्यवस्था के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ओके। अब जब संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब जरूरी ही होगी कि कोलेजियम व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रत्येक देश में नियुक्ति की शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति मानी जाती है, न कि न्यायिक शक्ति, अतः न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कार्य कार्यपालिका करती है, लेकिन भारत की न्यायपालिका विश्व की एकमात्र न्यायपालिका जो स्वयं अपनी नियुक्ति करती है। कितनी विडम्बना है, देखिए कितना यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई सीधी सी बात तो ये होती है भाई जो नियुक्ति वाला कार्य है, ठीक है, नियुक्ति वाला कार्य होता है प्रशासनिक कार्य, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, और यह जो है एक न्यायिक शक्ति नहीं है, एक जुडिशियल ये पावर नहीं होती बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, ठीक है। अब देखिए जो न्यायाधीश हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य किसके पास होगा, कार्यपालिका के पास, क्योंकि कार्यपालिका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये सब जगह मतलब विश्व में हर एक न्यायालय के संबंध में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो वहाँ की कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, वहाँ की कार्यपालिका द्वारा की जाती है, न कि खुद न्यायालय द्वारा। लेकिन हमारा चूँकि हमारा इतिहास रहा है कि हम बहुत ही अलग चीज़ें हट हट के करते हैं, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे हमने सैटेलाइट लॉन्च की, 100 प्लस सैटेलाइट हमने लॉन्च की, तो हम अलग अलग चीज़ों को करते हैं, थोड़ा सा हम अलग लीग से हट करके अपने आप को साबित करते हैं और दिखाते हैं। तो एक उसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे, ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि जो आपके संसद में जब आप सत्र चलता है आपका दिन का, तो उसमें भी देखेंगे आप जीरो आवर इत्यादि जो है वो सब आपके खुद के दिए हुए हैं, अद्वितीय हैं वो सब, ठीक है, वो किसी देश से लिया नहीं गया है। तो हम कुछ लेते हैं, कुछ अपना भी देते हैं। तो ये हमने एक नई व्यवस्था अपनी दे रखी है कि भाई हमारी जो न्यायपालिका होगी, इसमें जो नियुक्ति होगी न्यायपालिका, वो न्यायपालिका खुद करेगी, कोई और उसमें आप संस्था यानी कि कार्यपालिका वहाँ पर नियुक्ति नहीं करेगी। तो ये हमारी खुद की एक व्यवस्था अपनी है, ठीक है। अब ये और जो आलोचना का बिंदु है वो क्या है कि इसके कारण न्यायपालिका की नियुक्ति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के आरोप लगते रहेंगे। भाई जब आप ही हैं कंपनी के सर्वे सर्वा और नियुक्ति आपकी आपके अधिकार में है तो आप चाहेंगे कि हमारे सगे संबंधी आएँ, ठीक उसी प्रकार से न्यायालय में क्या होता है कि जो न्यायपालिका आपकी है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जजेस हैं, जो वकील इत्यादि जो भी लोग मतलब संपर्क के जजेस होते हैं वो सारे जजेस देखेंगे आप, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर मिला दिया जाए तो 52% जजेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के रिलेटिव हैं,
आप सोचिए, आधे से ज़्यादा मतलब कि 100 में से 52 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई भी देख के समझ पाएगा कि भाई यहाँ पे किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और अपने सगे संबंधियों को जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम यहाँ पर देखते हैं, और ये इन बिंदुओं पर यहाँ पे क्या की जाती है, कोलोजियम की आलोचना की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बार आप इसे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। और भी देखिए कोलिजियम के बारे में एक और, कोलिजियम प्रणाली के द्वारा नियुक्ति व्यवस्था जो संविधान के आर्टिकल 50 में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। अच्छा, आपके संविधान में आर्टिकल 50 एक है और मैंने उसे बता रखा है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि आर्टिकल 50 किस बारे में, बस एक लाइन का आर्टिकल है, आपको बताना है कि आर्टिकल 50 किस बारे में है, मतलब क्या कहता है आर्टिकल 50। और कोलिजियम जो सिस्टम है इसके इसके आलोचना में जो ये बिंदु रखा जाता है कि भाई आर्टिकल 50 में जो निर्देश दिए गए हैं ये निर्देश जो है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ हैं, उसके बाद भी कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है आर्टिकल 50। आप जैसे ही आर्टिकल 50 देखेंगे उसको समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से कोलिजियम सिस्टम जो है उसके विरोध में है। अब देखिए, जब इतना रायता फैला रखा है न्यायपालिका ने, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी कार्यपालिका भी चाहेगी कि भाई हम कोई एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिसके माध्यम से ये जिन्होंने इन्होंने जो अपनी अपने आप को सर्वे सर्वा बना रखा है ये थोड़ा सा इसमें कमी है, ठीक है। तो इसके लिए कार्यपालिका ने भी प्रयास किया, विधायिका ने भी प्रयास किया, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों ने मिलकर प्रयास किया और उसके लिए एक इन्होंने तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, आइए देखते हैं, बड़े मज़ेदार तरीके हैं। देखिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 यहाँ पे आता है, फिर मतलब कि विधायिका जो है क्या करती है, फिर 99वां संविधान संशोधन 2015 लेकर आती है। अब देखिए, ध्यान रखिए कि यह जो संशोधन था वो 121वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है, 121वां संविधान संशोधन विधेयक। अब विधेयक क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, जब तक कि वो पास नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या होगा, एक विधेयक, एक बिल होगा, और जैसे ही वो पास हो जाएगा उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मतलब संशोधन या अमेंडमेंट हो जाएगा वहाँ पे, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में वहाँ पे आ जाएगा। तो ये विधेयक आपके बाद बताया जा चुका है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन फिर कर रहा हूँ कि 121 संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में आप जान चुके हैं। आपको बताना है मुझे कि 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल है वो अमेंडमेंट बिल जो है वो किसके बारे में, मतलब कि 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किसके बारे में, ठीक है। 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस चीज़ के बारे में, आपको ये बताना है कमेंट में, इसको मैंने भी जल्दी ही पढ़ा रखा है। तो अब क्या होता है कि भाई मिल करके कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका मिल करके क्या करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, उसे पारित करते हैं और पास भी कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं, ये संशोधन हो जाता है, क्लियर। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 124A, 124B, 124C को जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की शक्ति, यानी कि जो सिफारिश करने वाला जो कार्य है कि कौन नियुक्त होगा जज के तौर पे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ओके, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं NJAC, ठीक है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को दी गई, मतलब कि अब जो ये अमेंडमेंट किया गया इसके माध्यम से यह कहा गया कि जो कोलिजियम सिस्टम है अब यह जजों की नियुक्ति नहीं करेगी, जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं करेगी, बल्कि इसकी जगह पर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा और यही यह आयोग क्या करेगी, जजों की नियुक्ति को लेकर के राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करेगी, ठीक है। अब जो कोलिजियम का काम है वो काम कौन करेगा, NJC करेगी, और राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग की सलाह पर उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करेगा। अब क्लियर हो गया, मतलब अभी क्या हुआ कि अब तक न्यायालय ने रायता फैलाया था अपना कोलिजियम सिस्टम वाला, अब क्या किया इन्होंने खुद का कहा कि भाई नहीं, हम जो है एक एक अलग कमीशन गठित करेंगे, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हम उसको लेकर आएंगे और ये काम करेगा जजों की नियुक्ति का, ठीक है। चलिए, उधर से न्यायालय ने तीर छोड़ा था, इधर से सरकार ने तीर छोड़ा, दोनों के तीर जो है आपस में लग गया है। अब आइए कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और, पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मज़ेदार चीज़ हम आगे देखेंगे, आप सभी को उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। NJAC की संरचना यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की
की संरचना स्ट्रक्चर कैसा, मतलब किस प्रकार में सदस्य होंगे, कैसे सदस्य होंगे, किस क्षेत्रों से सदस्य होंगे, इन सब बातों को थोड़ा समझते हैं। देखिए कुल सदस्य संख्या पहली बात इसमें जो होगी 6 हो जाएगी, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसमें सदस्यों की संख्या 6 होगी। मेंबर वन, एम फॉर मेंबर, मेंबर वन जो है अध्यक्ष होगा आपका, पहला व्यक्ति कौन होगा, CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, क्लियर। उसके बाद मेंबर टू और मेंबर थ्री जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। अब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वरिष्ठतम न्यायाधीश का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि जो CJI के बाद जो सबसे टॉप मोस्ट 2 जजेज होंगे वो 2 जजेज यहाँ पे इस NJAC का क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 CJI और 2 मेंबर यहाँ से वरिष्ठतम, तो 3 लोग टोटल हो गए। चौथा मेंबर जो होगा वो होगा भारत का कानून एवं न्याय मंत्री, ठीक है, ये चौथा मेंबर। पांचवा और छठा मेंबर कौन होंगे, 2 प्रख्यात हस्तियों को मनोनीत किया जाएगा, पांचवें और छठे मेंबर के रूप में 2 पॉपुलर जो 2 प्रख्यात व्यक्ति होंगे, हस्तियां होंगी, उनको मनोनीत किया जाएगा। इनको मनोनीत जो है एक समिति के द्वारा किया जाएगा, और यह समिति जो होगी उसके सदस्य कुछ इस प्रकार होंगे। कौन कौन सदस्य होगा, सबसे पहला सदस्य होगा इस समिति का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा सदस्य होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तीसरा जो सदस्य होगा वो होगा विपक्ष का नेता। और साथ ही साथ इसमें यह भी लिख दिया गया है या माने अगर ये अथवा, ठीक है, मतलब कि अगर ये विपक्ष का नेता कोई ना रहे, जैसे कि वर्तमान में आप लोग स्वामी देख रहे हैं कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विपक्ष का नेता होने के लिए एक पर्टिकुलर जो है आपको सीट वहाँ पर लेनी पड़ती है जो कि किसी भी पार्टी के पास वर्तमान में नहीं है। इसलिए यहाँ पर या करके ये भी बता दिया भाई कि सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, अब जो सबसे बड़ा विपक्षी दल हो उसका नेता भी यहाँ पे होगा तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं कि विपक्ष का नेता हो ही हो, ठीक है। तो ये तीन लोग होंगे और ये समिति के सदस्य होंगे, और ये समिति मिलकर के क्या करेगी, 2 लोगों का चुनाव करेगी। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। एक चीज़ और नोट कर लें पहले कि इन 2 ख्याति प्राप्त सदस्यों में से कम 1 SC ST OBC या फिर महिला होना अनिवार्य है। मतलब ये जो 2 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा समिति के द्वारा, जिसमें कि CJI, प्राइम मिनिस्टर और जो विपक्ष का नेता होगा वे होंगे, इस समिति के द्वारा जो सदस्य आपको चुने जाएंगे उसमें से कम 1 सदस्य जो होगा वह या तो शेड्यूल कास्ट से होगा, या फिर शेड्यूल ट्राइब से होगा, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट से होगा, या फिर वह एक महिला होगी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी, 4 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अब बाकी दूसरा वाला मेंबर कहीं का भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो मजे की बात है वो यहाँ इस लाइन में लिखी गई है कि NJAC ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित नहीं करेगा जिस पर 2 या अधिक सदस्यों की असहमति हो, 2 या अधिक सदस्यों की असहमति हो। अब देखिए सरकार जो है ना, मतलब जब आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी, जैसे भी इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, इसमें बहुत ही उठा पटक हुआ था, बहुत मज़ेदार केस है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था दी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कहा गया साफ साफ कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जज के तौर पर नियुक्त करना है और उस व्यक्ति के नाम पर अगर NJAC के 2 या अधिक सदस्य असहमत हो जाते हैं, मतलब या तो 2 एटलीस्ट या फिर 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अगर वो असहमत हो जाते हैं तो फिर उस सदस्य के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी सरकार क्या कर रही है कि भाई M4 जो व्यक्ति ये दिख रहा है आपको, चलिए जो M4 है और जो M5 और M6 है, आप बताइए M4 M5 M6 सब सरकार के हैं, M5 M6 सरकार के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं तो सरकार की ही एलाई होंगे, और M4 तो भाई सरकार में है ही हैं तो ये भी सरकार के एलाई हैं। और इसमें कहा कि भाई 2 या 2 से अधिक सदस्य क्या असहमत हो जाए तो फिर प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है, नाम प्रस्तावित नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेंबर 5 या 6 केवल अगर किसी व्यक्ति के, मतलब व्यक्ति के नाम पर अगर असहमत हो जाते हैं कि नहीं इसको जज नहीं बनना है तो फिर वो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप देखेंगे कि सरकार का इसमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप बढ़ गया, सरकार इसे पूरी तरीके से अपना पकड़ बना ली कि हाँ ठीक है, हम जब तक नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति जज बने या ना बने तब तक वो व्यक्ति जज ना बनेगा, मतलब बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी हाँ ये व्यक्ति जज बने तो वह व्यक्ति बनेगा, सरकार चाहेगी नहीं बने तो वह व्यक्ति नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं, ये भी बात है। अब देखिए आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 3 जज हैं, तो 3 जज भी अगर 2 जज उसमें चाह जाएँ कि भाई नहीं बनना चाहिए इस व्यक्ति को, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा वो।
लेकिन देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि जो 3 जजेज आपके सरकार के हैं, तो हो सकता है कि उसमें से कोई भी एक जज या फिर 2 जज ही मान लीजिए सरकार उनको किसी तरह समझा बुझा ले, भाई मना ले कि नहीं इनको नियुक्त करना है, ये सही व्यक्ति हैं, ये सही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, तो फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार के पक्ष में पड़ना भारी हो जाता है। चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पर हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अब सरकार ने पूरा बिल्कुल अपने आप को जो है आधे हाथ की स्थिति में यहाँ पे बना के रख दिया था। अब तक क्या था कि कोलेजियम सिस्टम की वजह से सरकार के पास कुछ नहीं था, सरकार के पास करने को कुछ नहीं था। कोलेजियम सिस्टम क्या करती, भाई सिफारिश देती, राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति को मानना बाध्य था, ठीक है, राष्ट्रपति साहब मानते ही मानते। अब क्या है कि सरकार बिल्कुल आधे आधे हिस्सेदारी की स्थिति में आ गई है, 50-50, ठीक है। और कहीं कहीं तो आप मान सकते हैं मनमानी भी है वहाँ पे, भाई जब तक तो वो चाहेंगे तब तो तक होगा नहीं, दोनों बातें आ गई। तो एक तरीका था जो सरकार ने निकाला। अब भाई सरकार ने फिर अपना गेम खेला, तो अब क्या बताइए आप, सुप्रीम कोर्ट शांत बैठेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट तो शांत बैठेगा नहीं, वो भी तो कुछ करेगा। जो अपना भाई न्यायालय है, वो भी जो न्यायाधीश इत्यादि हैं, वो भी चाहेंगे ना कि हमारे पड़ोसी, हमारे संबंधी लोग आते रहें, हाँ हमारा जो कुनबा ऐसे बढ़ता रहे, तो वो चाहेंगे तो उसके लिए कोई तरीका निकालेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि फिर याचिका दायर की जाती है, उसमें केस बनता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर बनाम भारत सन 2015, इसे हम फोर्थ जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे फोर्थ जजेस केस 2015 के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर बनाम भारत सन 2015, ये याचिका बनती है। अब इस जब ये मामला पड़ता है आगे सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसमें मामले में, सीधे सीधे जो है 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है उसको चुनौती दी जाती है, उसको चैलेंज किया जाता है कि जो 99वां संविधान संशोधन है यह जो है सही नहीं है, इसे हटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो 99th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको चुनौती दी गई। चलिए फिर क्या हुआ, अब जैसे ही चुनौती दी गई, अब देखिए न्यायालय तो इसी ताक में था भाई कोई याचिका दायर हो और चुनौती मिले उसके बाद तो हम अपना रंग रंग दिखाएं। तो जैसे ही आता है न्यायालय जो है 1990th जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको पूरी तरीके से रद्द कर देता है, ठीक है। कहता है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने किया है, ठीक है, 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे गलत मतलब कि रद्द कर दिया गया। अब जब न्यायालय ने उसे रद्द किया तो उसके संबंध में न्यायालय ने कुछ अपने तर्क दिए, कुछ लॉजिक दिए। भाई ऐसे तो न्यायालय ने रद्द नहीं कर देगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसे भाई तर्क के साथ मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना पड़ेगा। उसने क्या कहा, जो कहा उसने क्यों किया, ठीक है, वो सही है या गलत है उसको उसे बताना पड़ेगा। तो इसे न्यायालय यहाँ पर तर्क देती है, न्यायालय क्या तर्क देता है, न्यायालय कहता है भाई भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बल देता है जबकि यह संशोधन इसके विरुद्ध है। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि भाई संविधान का हवाला दिया कि संविधान कहता है कि देश की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, और आपने जो ये NJAC का गठन करने का कार्य किया है यह जो है न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, तो इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है, इसलिए हम इसको जो है रद्द कर रहे हैं, ठीक है। तर्क सही है, दिक्कत तो नहीं है इसमें ज़्यादा। न्यायाधीशों के अनुसार न्यायपालिका में योग्यतम व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए और कोई संविधान और कानून का विशेषज्ञ है या नहीं इसका उचित निर्धारण न्यायाधीश ही कर सकता है। वाह भाई क्या बात है, अपनी महिमा अपने आप। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि भाई न्यायाधीश ने कहा कि जो न्यायपालिका है इसमें योग्य व्यक्ति ही आए, योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति हो जज के तौर पर, और कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं, ठीक है, कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं, संविधान का ज्ञाता है या नहीं, कानून का विशेषज्ञ है या नहीं, इसका उचित निर्धारण एक न्यायाधीश ही कर सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, मत कर इतना गुरु। हाँ तो ये बातें जो है न्यायाधीश जो तर्क के आधार पर देते हैं, फोर्थ जजेस जो हैं वो अपना तर्क देते हैं यहाँ पे कि भाई हम ही ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे उसे कि कौन सा व्यक्ति जो है कानून का, संविधान का अच्छे तरीके से ज्ञाता है, उसे अच्छे तरीके से जानता समझता है, और किसी के पास ये क्षमता नहीं है, ये तर्क देते हैं न्यायालय। और तीसरी बात, व्यवहार में यह जांच जज ही कर सकता है कि कौन योग्य है। चलिए मतलब मिला जुला उन्होंने कह दिया भाई और किसी के बस की बात नहीं है ये, ठीक है, एक व्यक्ति जज बने या ना बने उसके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है वो एक न्यायपालिका का जज ही क्या कर सकता है, खोज सकता है, समझ सकता है, जान सकता है,
कोई और किसी के बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी टेढ़ी बड़ा ही टेढ़ा काम है ये, ठीक है। तो इस प्रकार का न्यायालय क्या देता है आपको, तर्क देता है, ठीक है। तो ये डीएस प्रणव ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे तर्क मिलते हैं और कोलिजियम सिस्टम क्या है, NJAC क्या है, इसको भी हमने देखा। तो वर्तमान स्थिति में आपको बता दूँ कि वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पे एक जो आपका NJAC है इसको रद्द कर दिया गया है, कोलिजियम सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, देखिए आगे इस पर कुछ डेवलपमेंट होता है तो आप उस पर नज़र बनाए रखेंगे। तो ये पूरी बात है जो कोलिजियम सिस्टम के ऊपर, इसको हमने देख लिया, इस पर चर्चा कर ली, समझ लिया अच्छी तरीके से इसको। तो आज का ये लेक्चर रहा कोलिजियम सिस्टम के ऊपर, आपको कोलिजियम सिस्टम समझ में आया, कैसा लगा आपको, NJAC के बारे में आपको समझ में आई बातें, या और तर्क इत्यादि आप देख लेंगे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, वो क्वेश्चन के मुझे आंसर आप कमेंट में देंगे। एक तो आप देंगे कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक किसके बारे में है, और एक आप देंगे कि जो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आर्टिकल 50 किसके बारे में, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो ये रहा डियर फ्रेंड आपका आज का वीडियो, वीडियो को कैसा लगा कमेंट बताएं, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, ना अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, आपकी मर्जी, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।